नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग वेनम के टेस्टनेट को लेके बात करेंगे। बेसिकली वेनम को लेके एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से यहाँ पे कुछ टास्क है जो कि मतलब हम मैंने कंप्लीट करके दिखाया था एंड यहाँ पे NFTs को क्लेम करना है। लेकिन कुछ टास्क यहाँ पे इनकम्प्लीट थे, क्योंकि ये जो ब्रिज वाला टास्क है उसका जो वेबसाइट था वो अंडर मेंटेनेंस था, तो बाकी के जो टास्क थे वो इनकम्प्लीट थे। वो सारे टास्क आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, प्लस कुछ नए टास्क यहाँ पे ऐड किए गए हैं उसको भी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जिनको वेनम के बारे में नहीं पता, वेनम एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया फंडिंग है इनके पास। 1 बिलियन का यहाँ पर फंडिंग है कम्युनिटी के लिए। टोटल इनके टोकन सप्लाई का 22% रिजर्व किया गया है। होप करते हैं कि यहाँ पर 98% तक चांस है, 22% यहाँ पर कम्युनिटी को एयर ड्रॉप किया जाएगा। यहाँ पे अभी के टाइम पे अगर आप लोग इसके इकोसिस्टम को टेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, बदले में आप लोगों को यहाँ पे NFTs दिए जा रहे हैं जिसको आप लोगों को क्लेम कर लेना है। फ्यूचर में जब इनका जो मेननेट है वो लॉन्च होगा, तो मे बी NFTs होल्डर्स को यहाँ पे वो 22% का कुछ हिस्सा ईयर ड्रॉप किया जाए, या फिर पूरा ही 22% यहाँ पे ईयर ड्रॉप किया जाए। तो ईयर ड्रॉप अगर यहाँ पे होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से सबका बनेगा। ओके, लेकिन टास्क जो है यहाँ पे थोड़े से क्रिटिकल है। जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा था उसको आप लोग चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से वेनम का जो वॉलेट है उसको इंस्टॉल करना है एंड यहाँ पे जो टास्क है उसको कुछ 2-3 टास्क है उसको कम्प्लीट करना है। ओके, एंड जिन लोगों ने वो वाला टास्क परफॉर्म किया था, आप लोग सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपके मिसेस ब्राउज़र में जो वेनम का वॉलेट है यानी कि एक्सटेंशन में जो वॉलेट है उसको आप लोगों को अपडेट कर लेना है। अपडेट का मतलब आप लोगों ने 24 या फिर 12 पास से मतलब सीड फ्रेज आप लोगों ने सेव किया होगा, सबसे पहले उसको अनइंस्टॉल करो। यानी कि ये जो वेनम का वॉलेट है इसको आप लोग एक्सटेंशन से रिमूव करो, उसके बाद आप लोग फिर से इस वॉलेट को एक्सटेंशन में ऐड करो, देन आप लोग वो जो सीड फ्रेज है उससे वॉलेट को लॉगिन कर लो। ओके, एंड वॉलेट को अपडेट करने के बाद आप लोग जब वॉलेट को ओपन करेंगे तो आप लोगों यहाँ पर आपके वॉलेट के अंदर 10 नूमी टोकन, ये जो नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं, 10 नूमी टोकन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग मतलब अपडेट कर लेना एंड इसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे टास्क परफॉर्म करना है। ओके, सो अभी हम लोग सीधा बढ़ते हैं यहाँ पे टास्क के ऊपर। तो सबसे पहला जो टास्क हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे वो है ब्रीच करने का टास्क। यहाँ पर आप लोगों के वॉलेट पर यानी कि मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट के अंदर आप लोगों के पास कुछ PNB होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेननेट से वेनम टेस्टनेट पे आपको ब्रीच करना है। किस तरीके से करना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट टास्क पे हम लोग क्लिक करेंगे। करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइन वेनम ब्रीच टेलीग्राम चैनल, तो इसको सबसे पहले हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे चेक पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, चेक करेगा कि आप लोगों ने टास्क को यहाँ पे कंप्लीट किया है। उसके बाद ये वाला जो है टास्क कंप्लीट होता है, देन आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफ़र टोकन फ्रॉम वेनम टू EVM चेन। ओके, तो ये है मेन टास्क। यहाँ पे आप लोगों को सिंपल से ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बाइनेंस चेन से लेके हम लोगों को वेनम टेस्टनेट पे यहाँ पे एक ब्रीच कंप्लीट करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है, वॉलेट को कनेक्ट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि आप वेनम वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो इसको क्लिक करके वेनम वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप लोग ऑब्वियसली यहाँ पे डेस्कटॉप मोड का यूज़ करना। ओके, तो डेस्कटॉप साइट करते हैं, वॉलेट को भी डेस्कटॉप साइट पर हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ हम लोग वेनम वॉलेट को यहाँ पर सिंपल से कनेक्ट करेंगे। ओके, क्रोम एक्सटेंशन, देन आपके सामने इस तरीके का एक ट्रांजेक्शन आएगा, आपको यहाँ पे कंफर्म करना है ट्रांजेक्शन को। ओके, करने के बाद अभी आपको करना क्या है, EVM वॉलेट को कनेक्ट करना है यानी कि मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट को आपको कनेक्ट करना है, जिससे भी आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। ओके, तो इस वाले पोर्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेटामास्क कॉइन बेस वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, मैं सिंपल से मेटामास्क पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद मेरा जो मिसेज ब्राउज़र में जो मेटामास्क है वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन जाएगा, इसको अप्रूव करना है, देन हम लोग इस टास्क को यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, उसके बाद दोनों वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोगों को सिंपल से करना क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम बाइनेंस स्मार्ट चेन टू वेनम टेस्टनेट। ओके, तो इसको आपको स्विच कर लेना है। यहाँ पर
इसको वेनम पे सिलेक्ट करना है आप लोग को, यहाँ पे दिखा देता हूँ, नहीं तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन में अगर मैं रखूँगा तो यहाँ पे मेरा बैलेंस जो है टी वेनम का 0 दिखाएगा। तो इसको मुझे सिंपल से वेनम टेस्ट नेट पर स्विच करना है, ओके। एंड यहाँ पे जो है ये बाइनेंस स्मार्ट चेन में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। तो आप उसके बाद आप लोग देख लेना यहाँ पे आपका जितना भी वेनम टोकन है आपके वॉलेट में वो आप यहाँ पे शो कर जाएगा, ओके। इसको आपको करना क्या है, सिंपल से ब्रिज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ वन टोकन, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देखते हैं यहाँ पे कोई फीस वीस का फंडा है कि नहीं। तो यहाँ पे अप्रूव ट्रांसफ़र का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग सिंपल से अप्रूव करेंगे, पेंडिंग पे है, मे बी यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन आ सकता है, ओके। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन मिला है, सिंपल से मुझे यहाँ पे पासवर्ड डाल के ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देना है। आप लोग देख सकते हैं अप्रूव करने के बाद यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है ये पेंडिंग पे है, मे बी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप लोगों को वेट कर लेना है। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जब तक कि ना ये यहाँ पे सक्सेस होता है मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ओके। एंड देखते हैं कि कितना टाइम लेता है ये इसको यहाँ पे पेंडिंग को यहाँ पे सक्सेस करने के लिए। यहाँ पे 5 से 7 मिनट का टाइम लगा ये जो ट्रांजेक्शन है इसको कंप्लीट होने में, कंफर्म होने में। तो अभी हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे बाइनेंस चेन में इस ट्रांजेक्शन को रिलीज़ कर देना है, ओके। टास्क को कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, आप लोग जिस भी वॉलेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मेटामार्क्स, बिटकीप, ट्रस्ट वॉलेट, वहाँ पे आपका बाइनेंस चेन सिलेक्टेड होना चाहिए। इथेरियम, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, इन सारे चेनों में ये काम नहीं करेगा, ओके। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल से रिलीज ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ओके। सो मेटामास्क में एक ट्रांजेक्शन मुझे मिल रहा है, देखते हैं यहाँ पे कोई फ़ीस हम लोगों को देना पड़ेगा कि नहीं। लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग मेरा जो एस्टिमेटेड गैस फी है वो 0.0005 यानी 0.14 सेंट के करीब मुझे यहाँ पे गैस फी देना पड़ेगा। इसका मैनेज आप लोग कर लेना है, इतना गैस फी आप लोगों को भरना पड़ेगा, ओके। मेरे वॉलेट पे फ़िलहाल इतना फंड नहीं है, मैं इसको कहीं से जुगाड़ करके इसका ट्रांजेक्शन को यहाँ पे अप्रूव कर देता हूँ, ओके। फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने जो ट्रांजेक्शन है उसको सक्सेसफुल कर दिया, उसके बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। सेकंड, अब आपको जो करना है यही काम आपको उल्टा करना है, यानी कि अभी आप लोगों ने जो किया था वेनम से बीएससी में आप लोगों ने ब्रीच किया था, अभी बीएससी से वेनम में आपको ब्रीच करना है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ओके। सबसे पहले तो आप लोग जब टास्क को कंप्लीट करेंगे वेबसाइट पर वापस आना, ये टास्क वाले वेबसाइट पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका ये जो वाला टास्क है, ये वाला टास्क यहाँ पे ये चेक हो जाएगा, ओके। अगर नहीं होता है आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे चेक का बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको इसको चेक कर लेना है। जब ये कंफर्म हो जाता है उसके बाद आप लोगों को नीचे ये वाला टास्क यहाँ पे कंप्लीट करना है, यहाँ पे एरो का साइन आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेम एरो के साइन पे क्लिक करना है, उसी टाइप के वेबसाइट पे यानी कि पेज पे आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे, पहले वाले में आप लोग को करना क्या है, बाइनेंस स्मार्ट चेन सिलेक्ट करना है, सेकंड वाले में वेनम स्मार्ट टेस्ट नेट सिलेक्ट करना है, जैसा किया था पहले बार वो उसी का उल्टा आपको करना है, ओके। करने के बाद आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे पहली बार आप लोगों ने टी वेनम एक ट्रांसफ़र किया था, तो आप लोगों के बैलेंस में यहाँ पे 1 देखने को मिलेगा। आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे 1 या फिर 0.8 आप लोगों को टाइप करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे 0.8 टाइप कर देता हूँ, करके इस ट्रांजेक्शन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्रूव ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसको हम लोगों को सिंपल से अप्रूव करना है। ट्रांजेक्शन जाएगा मेटामास्क के अंदर, यहाँ पे आप लोगों को फिर से थोड़ा सा ट्रांजेक्शन फ़ी पे करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा हम लोग देख लेते हैं, ओके। सो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन फ़ी है जो 0.07 सेंट का यहाँ पे लगभग ट्रांजेक्शन फ़ी लग रहा है, मीन्स लगभग आप लोगों को 1.5 सेंट के करीब BNB यहाँ पे करना पड़ेगा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, ये ट्रांजेक्शन जो है फ़िलहाल पेंडिंग में चला गया, थोड़ा सा वेट कर लेंगे यहाँ पे जब तक ये कंफर्म होता है। एंड कंफर्म होने के बाद बाकी का जो यहाँ पे 3 टास्क है इसको हम लोगों को कंफर्म यहाँ पे कर देना है, मतलब कंडक्ट यहाँ पे कर देना है ट्रांजेक्शन को। नाउ ये हमारा कंफर्म हो गया, इसके बाद हम लोगों को वेनम टेस्ट नेट पर इसको अप्रूव करना है। अप्रूव करते मे बी यहाँ पे वेनम वॉलेट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन जाएगा, हम लोग देख लेते।
यस, वेनम वॉलेट के अंदर यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रांजेक्शन मिला, सिंपल से पासवर्ड यहाँ पे डाल के हम लोगों को इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देना है। ओके, तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी पेंडिंग में चला जाएगा। उसके बाद और दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला दोनों टास्क हम लोगों को करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ये इस वाले NFT को मेंट कर पाएंगे। ओके, सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद इस तरीके का आप लोगों को एक यहाँ पे रिसिप्ट देखने को मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि हमारा जो ब्रीच का काम था वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसको काटेंगे सिंपल से, वापस हम लोग वेबसाइट पे आएंगे, यानी टास्क वाले वेबसाइट पे आएंगे एंड यहाँ पे जो हम लोगों ने टास्क को यहाँ पे परफॉर्म किया था उसको चेक कर लेंगे यहाँ पे। सो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसको कंफर्म किया, इसको कंप्लीट किया, अभी इसको कंप्लीट किया एंड यहाँ पे हम लोग को चेक का एक बटन देखने को मिल रहा है। इस वाले चेक के बटन पे हम लोगों को सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, नाउ ये जो हमारे तीनों टास्क है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे NFT को मिंट कर लेना है, इस वाले NFT को। ओके, फिर से यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएगा आप लोगों को, यानी कि वेनम वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन आएगा। फिर से आप लोगों को पासवर्ड डालना है एंड ट्रांजेक्शन को अप्रूव करके यहाँ पे NFT को आप लोगों को मिंट कर लेना है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा NFT है वो मिंटिंग में चल रहा है। यहाँ पे अगर आप लोगों का लेट होता है तो आप लोग सिंपल से करना कि आप मिंटिंग से पहले आप लोग VPN कनेक्ट कर लेना, अगर नहीं होता है तो VPN कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा विदाउट VPN ही ये वाला जो NFT है यहाँ पे मिंट हो चुका है। ओके, इसके बाद हम लोग बाकी के जो टास्क है उसको कंप्लीट करेंगे। जो टास्क यहाँ पे टफेस्ट लगेगा मुझे वो टास्क मैं आप लोगों के साथ वीडियो के थ्रू ट्यूटोरियल कर दूंगा। बाकी के टास्क आप लोगों को भी यहाँ पे कंफर्म कर मतलब कंप्लीट कर लेना है, जितने भी टास्क है जितने भी NFTs हैं हम लोगों को यहाँ पे क्लेम कर लेना है। ओके, सो ब्रीच वाला जो टास्क है उसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को एक स्टेक का टास्क मिलेगा, उसको आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। ओके, स्टेक में आप लोगों को सिंपल से करना क्या है, एक वेबसाइट में रिडायरेक्ट होंगे, उसको आप लोगों को डेस्कटॉप साइट करके वेबसाइट को आप लोगों को वॉलेट के साथ कनेक्ट करना है। देन कुछ अमाउंट का, एक या दो अमाउंट का वेनम जो है उसको स्टेक पे लगा देना है। सिंपल सा स्टाक है सॉरी टास्क है, उसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। ओके, इसके बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है ओएसिस गैलरी। ओके, तो इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहाँ पे बेसिकली एक NFT आपको परचेस करना है एंड एक NFT आपको लिस्ट करना है। ओके, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, देखते हैं किस तरीके का टास्क हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं बाय एन NFT यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस एरो के साइन पे हम लोग क्लिक करेंगे। नाउ इसको हम लोग जो वेनम का वॉलेट है उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इसको सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वेनम वॉलेट के साथ इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं सिंपल से क्रोम एक्सटेंशन। ओके, एक ट्रांजेक्शन आएगा उसको आप लोगों को अप्रूव कर देना है। ओके, सो वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे NFTs है, कोई भी एक आप लोगों को परचेस कर लेना है। 5 वेनम का है, 5 वेनम का है, 4.95 वेनम का है, कुछ भी एक आप लोग परचेस कर लेना। अगर आप लोगों के वॉलेट में वेनम का जो फॉसेट है वो कम पड़ जाता है तो इनके वेबसाइट से ही आप लोग फॉसेट को क्लेम कर सकते हैं। किस तरीके से करना है मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, सबसे पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो इस वाले NFT को मैं परचेस करना चाहता हूँ। सिंपल से करना क्या है, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है या एंड यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। ओके, फिर से ट्रांजेक्शन आएगा, आप लोगों को अप्रूव कर देना है। सो मे बी यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के टाइम पे आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़े क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ये ले रहा है। ओके, सो जब तक ये अप्रूव होता है हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अप्रूव होने के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। सो NFT परचेस वाला टास्क कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को लिस्ट एंड NFT करना है, यानी कि एक NFT आपको लिस्ट करना है। वो किस तरीके से करना है, इस एरो पे आप लोगों को सिंपल से क्लिक करना है, उसी वेबसाइट पे आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सिंपल से आप लोग इसको डेस्कटॉप में करके कनेक्ट कर लेना वॉलेट। ओके, सो इस वेबसाइट पे आने के बाद ऊपर की तरफ आप लोगों को यहाँ पे माय NFT का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा,
इसको आप लोगों को सिंपल से क्लिक करना है, जिस NFT को आप लोगों ने थोड़ी देर पहले परचेस किया है उसी NFT को आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको पुट ऑन सेल पे कर देना है। ओके, तो ये लिस्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक अमाउंट हम लोग डाल देते हैं। ओके, तो 5.1 वेनम कर देते हैं, सॉरी। पुट ऑन सेल में भी एक ट्रांजेक्शन जाएगा, आप लोगों को उसको अप्रूव कर देना है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों ही टास्क को यहाँ पे हम लोगों ने दोनों टास्क को कंप्लीट कर लिया है। अभी सिंपल से हम लोग इसको चेक करेंगे एंड देन हम लोग इसका जो NFT है इसको भी मिंट कर लेंगे। ओके, सो चेक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सिंपल से मिंट पे क्लिक करना है। ये वाला जो NFT है ये भी मिंट यहाँ पे हो जाता है। ओके, सो NFT मिंट होने के बाद सिंपल से आपको करना क्या है, बैक आना है। मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे फॉसेट को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस में आप लोग फॉसेट क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं नीड मोर वेनम का एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिंपल से फॉसेट पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे एक क्विज है जिसको आप लोग कंप्लीट करके यहाँ पे फॉसेट क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद इतने सारे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ये सारे टास्क यहाँ पे डिस्कॉर्ड या फिर ट्विटर ज्वाइन करने का, उसको ज्वाइन करके भी आप लोग यहाँ पे फॉसेट क्लेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल से क्विज प्ले करके यहाँ पे फॉसेट को क्लेम करके दिखाता हूँ। ओके, इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट मल्टी सिग्नेचर अकाउंट इन वेनम वॉलेट? ओके, तो यस मुझे लगता है, सेंड पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो चुका है एंड हम लोग सिंपल से इसको क्लेम पे क्लिक करेंगे। एक ट्रांजेक्शन जाएगा अप्रूव करने के बाद, आपका जो भी फॉसेट है आप लोगों को आपके वॉलेट में देखने को मिल जाएगा। ओके, जितने भी टास्क है सिंपल से टास्क है आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। स्नीपा वाला ये जो टास्क है यहाँ पे थोड़ा सा इनके वेबसाइट का इशू चल रहा है तो इसको मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा। यहाँ पे जो नूमी का जो न्यू टास्क ऐड किया गया है जिसके लिए आप लोगों के वॉलेट में यहाँ पे नूमी टोकन दिए गए, इसका भी सिंपल सा ही टास्क है। आप लोगों को सिंपल से करना क्या है, इसका एक यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसका पे जाके वीडियो वॉच कर लेना है। टास्क कंप्लीट करने है देन नूमी का जो ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करना है। उसके बाद नूमी के वेबसाइट से आप लोगों को एक NFT परचेस कर लेना है। ओके, सीधा क्लिक करेंगे नूमी का जो ये वेबसाइट है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को साइन अप कर लेना है। एक ID बनाने के बाद आप लोग यहाँ से एक कोई भी एक NFT परचेस कर लेना है। जिस नूमी टोकन को आप लोगों को मिला है जो आपके वॉलेट पे, उस नूमी टोकन के बदले में आप लोगों को यहाँ पे NFT परचेस करना है। ओके, तो मैं आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूँ। ओके, सो बाय फॉर 5 नूमी यहाँ पे साइन अप करना है। ओके, सो साइन अप करने के बाद सिंपल से बाय फॉर 5 नूमी करना है। एक ट्रांजेक्शन आपके वॉलेट पे जाएगा जो कि आपका ये वेनम वाला वॉलेट है, वहाँ पे आप लोगों को ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना है एंड यहाँ पे ये जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, NFT को मिंट कर लेना है। ओके, सो टास्क कंप्लीट करने के बाद सिंपल से चेक ये चेक कर लेगा, उसके बाद आपको NFT मिंट कर लेना है। ओके, तो इस तरीके के टास्क आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है एंड इसके ऊपर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम एंड यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड करते रहूँगा सारा इन्फॉर्मेशन। जितने भी टास्क आएंगे, अगर क्रिटिकल कुछ टास्क आता है तो उसका ट्यूटोरियल भी बना दूंगा। इसके लिए आप लोगों को दोनों जगहों को सब्सक्राइब प्लस फॉलो करके रख देना है एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।